The figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for three different situations. Which one of the following is correct statement? ओके, तीन ग्राफ है ए बी सी. तो चलो ग्राफ पे डिस्कस करते हैं. यहाँ पर बी एंड सी का लिए सेम दिया है. यहाँ पर राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ए के लिए अलग दिया है. वी नो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो बी एंड सी के लिए देखा जाए इंटेंसिटी सेम है, विच इज़ ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ ए. एंड अगर आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे तो यहाँ पर ए एंड बी का ग्राफ सेम है, सी का ग्राफ अलग है. नाउ सी हियर, ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिकेट करता है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए एंड बी क्या यहाँ पर सेम है, बट सी का पोटेंशियल क्या है, उससे भी ज़्यादा है. तो सी का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में ज़्यादा है, राइट. एंड वी नो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एज एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा. तो ए का फ्रीक्वेंसी बी का फ्रीक्वेंसी सेम है एंड सी का फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा आएगा. तो ऑप्शन देखो, कर बी सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. बी एंड सी का सेम फ्रीक्वेंसी क्या, नहीं, ऑप्शन गलत. कर ए बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. ए बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं, गलत. कर ए बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यह सही है बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज. तो ए एंड बी का इंटेंसिटी अलग अलग है, सही है. तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट.